हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी बॉडी के बारे में, आपके शरीर के बारे में। क्योंकि आप तो देखो दोस्तों, आप उसके बारे में चिंता नहीं करते, आपको फिक्र ही नहीं किसी भी चीज़ की। पर अगर मैं आपसे यही बात बोलूं तो आप बोलोगे अरे ये क्या बोल रहा है। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं आपकी किडनी के बारे में। एक ऐसी बात जो आप सबको पता नहीं होगी, या फिर उनको पता भी होगी तो वो उसके बारे में सोचते नहीं होंगे। तो इसलिए आज हम आए हैं डॉक्टर पुरु धवन जी के साथ, जो बताएंगे आपकी किडनी के बारे में और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो GFR है वो क्या होता है, वो किस लिए यूज़ होता है और वो आपकी किडनी से क्या रिलेशन बनाता है और आपकी किडनी कौन सी स्टेज पे ख़राब हो चुकी है, आपके फंक्शंस कैसे ख़राब हो चुके हैं। हम इन सब के बारे में आज के इस इंटरव्यू में बात करेंगे, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं आपके सीधे सरल सवालों का सरल जवाब देने में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने डॉक्टर पुरु सर के साथ। हेलो सर, तो कैसे हैं आप? ऑल गुड। सब बढ़िया सर, सब चंगा सी? हाँ जी, हाँ जी, सब चंगा। तो सर, किडनी एक ऐसी दिक्कत है, मतलब जो किडनी के अंदर जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, वो सर आप बहुत अच्छे से इलाज करते हैं उन सब चीज़ों का। बट एक नई नई चीज़ मुझे कल ही पता चली है और मैं चाहता हूँ आप उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं एकदम बेसिक सरल शब्दों में कि उसका मतलब क्या होता है, और वो है सर हमारा GFR। GFR जो है वो बेसिकली आपकी किडनी किस स्पीड से ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बना रही है, उस रेट को आप GFR कह सकते हो। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी किडनी किस स्पीड से फिल्ट्रेशन कर रही है वो। अभी निकालते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किडनी का काम क्या होता है, बॉडी से वेस्ट निकालना। तो जब किडनी अच्छा काम कर रही है तो वेस्ट बॉडी में ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो पाता, तो क्रिएटिनिन की वैल्यू 0.5 to 1.1 तक मैक्सिमम रह पाती है। क्योंकि बन रहा है, निकल रहा है, बन रहा है, निकल रहा है, तो इकट्ठा नहीं हो पाता। पर जैसे जैसे किडनी खराब होती है तो वही गंदगी शरीर में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, क्रिएटिनिन बढ़ने लग गया, यूरिया बढ़ने लग गया। तो अब कितना वो इकट्ठा हुआ है शरीर के अंदर, उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि किडनी किस स्पीड से काम कर रही है। तो बेसिकली मैथमेटिकली कैलकुलेशन होती है, जिसमें हम पेशेंट की एज, पेशेंट का जेंडर और क्रिएटिनिन वैल्यूज डाल देते हैं। तो आप जब गूगल पर जाएंगे, सर्च करें GFR कैलकुलेटर, तो बहुत सारी साइट्स खुल जाती हैं। तो किसी भी साइट को आप ओपन कर लीजिए, अपनी वैल्यूज डालिए, एज, जेंडर और क्रिएटिनिन वैल्यूज, और कैलकुलेट का बटन दबा दो, तो एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये एस्टिमेटेड GFR है, यानी एक आइडिया है कि किडनी कितना काम कर रही है और कितना काम नहीं कर रही। तो अक्सर लोग पेशेंट से डर भी जाते हैं कि मेरा GFR कम हो रहा है। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये इसलिए बनाई गई है कि हम पेशेंट को डिफरेंट कैटेगरीज में डाल सकें, क्योंकि पेशेंट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देना आसान हो जाता है। किस पे कितना ध्यान देना है वो आसान हो जाता है, तो वो कैटेगराइजेशन हम उससे कर लेते हैं। बट सर, ये तो सर एक मतलब कंप्यूटर बेस्ड चीज़ है और वो तो कभी भी गलत हो सकती है, तो उसमें मतलब एक्यूरेसी का तो कोई पॉइंट ही नहीं रहा फिर। आप एक्यूरेसी के लिए जो टेस्ट है वो GFR का ये नॉर्मल ब्लड वाला टेस्ट नहीं होता। उसको हम कहते हैं DTP रीनल स्कैन। उसके अंदर हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर हम इंक रिलीज कर देते हैं, ब्लड के अंदर डाल देते हैं, तो ब्लड के साथ साथ किडनी में जाती है। अब किडनी ने उस इंक को कितने टाइम में बाहर किया, उस डाई को कितने टाइम में बाहर किया, वो निकलता है आपका GFR सही वाला। उसमें लेफ्ट किडनी ने कितना काम किया, राइट किडनी ने कितना काम किया, कहाँ प्रॉब्लम है, वो सब कुछ निकल कर आता है। तो GFR चेक करने का जो सबसे एक्यूरेट तरीका आज की डेट में एग्जिस्ट करता है, वो ब्लड का टेस्ट नहीं है जो कि हम लैब रिपोर्ट्स में देखते हैं, वो DTPA रीनल स्कैन होता है। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये जो डाई है, ये जो इंक है, ये नेफ्रोटॉक्सिक होती है, यानी हम किडनी का टेस्ट कर रहे हैं उस केमिकल से कर रहे हैं जो किडनी को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो आयोडीन का आइसोटोप होता है, रेडियो आइसोटोप होता है, ठीक है। तभी हम उसको एक्सरे मशीन से देख रहे होते हैं, उन्हें हमसे देख के समझेंगे बॉडी में कहाँ कहाँ नहीं है, वो बॉडी के अंदर है, तो उससे भी किडनी को नुकसान हो सकता है और हो भी जाता है, हमने देखा कि वो हो भी जाता है। तो ये टेस्ट है, हम रोज रोज महीने दो महीने में नहीं करवा सकते, इसको जिंदगी में एक बार या हद से दो बार हम करवा सकते हैं। इससे ज़्यादा करवाओगे तो किडनी को यही ख़राब कर देगा। अच्छा, तो ये बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं किया जाता, एक अच्छा डॉक्टर से एडवाइस नहीं करेगा आपको। तो सर, जो GFR है जैसे आप बता रहे हो, तो वो हम घर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा कितना आया, अगर हमें मतलब चीज़ों के बारे में नॉलेज है या एस्टिमेटेड GFR आप घर पे कैलकुलेट कर सकते हो क्रिएटिनिन की वैल्यू के साथ, क्योंकि उम्र आपको पता है, जेंडर आपको पता है,
तो हम वो निकाल सकते हैं। ओके तो सर अगर हमें पता चल गया चलो यार हमारी किडनी इतनी परसेंट खराब है, तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए उस चीज को ठीक करने के लिए वो क्या होना चाहिए? लंबी सांस लेना। अच्छा, लंबी सांस लेके पहले ये सोचो कि किडनी खराब क्यों हुई, क्योंकि किडनी कभी भी अपने आप कभी खराब नहीं होती, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो आपका पहला फर्ज ये बनता है खुद चिंतन करना कि किडनी को, आपकी किडनी को नुकसान किस चीज ने पहुंचाया, क्या वो बीपी था, क्या वो शुगर था, क्या वो कोई और कारण था। पहले आप इसको फिगर आउट करोगे, उसके बाद अपने आप से एक और सवाल पूछोगे कि क्या मेरा बीपी शुगर आज भी कंट्रोल में है या अनकंट्रोल बना हुआ है। कंट्रोल में बना हुआ है ठीक है, अनकंट्रोल बना हुआ है तो आप ये मान लो कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो और ये चिंतन कर रहे हो तो भी आपकी किडनी को नुकसान कंटिन्यूस तरीके से हो रहा है क्योंकि बीपी शुगर आपका बढ़ा हुआ है। तो पहला काम आपका क्या बनता है कि अपने बीपी शुगर को हर किसी भी कीमत में, मैं कहता हूँ किसी भी कीमत में कंट्रोल में लेकर आना। जिस दिन जिस समय वो कंट्रोल में है उस टाइम आपकी किडनी को नुकसान नहीं होगा। तो आपको कुछ इस तरह से अपने आप को चेंज करना होता है, अपनी मेडिसिन को इस तरह से सेट करना होता है कि 2400 घंटे बीपी ठीक रहे, 2400 घंटे आपकी शुगर ठीक रहे। तो बीपी में अक्सर हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाला बीपी देख रहे होते हैं, मेरा 120 140 हो गया, 150 हो गया, वो नहीं देखना। आप नीचे वाला देखो, आप नीचे वाला बीपी देखो और वो हमेशा 70-80 की रेंज में होना चाहिए ठीक है। नॉर्मली 90 भी नॉर्मल बोलते हैं, बट हम 90 किडनी पेशेंट्स के लिए नॉर्मल नहीं बोलते क्योंकि हमें थोड़ा सा सब नॉर्मल रखना बीपी पसंद है, यानी 5 पॉइंट नीचे रखना। ओके, नॉर्मल इज 80 है ना, तो हम उसे 5 पॉइंट नीचे रखेंगे, 75 पे रखना पसंद करते हैं ना कि हम 85 पे रखना पसंद करेंगे। इसी तरह से शुगर है, अगर आपकी फास्टिंग पीपी रैंडम कोई भी शुगर पूरे दिन में 180 को क्रॉस कर रही है ठीक है, तो वो जैसे ही वो 180 को क्रॉस करेगी तभी आपकी किडनी को नुकसान होगा, उससे पहले आपकी किडनी को नुकसान नहीं होगा। तो ये दो चीजें 80 और 180 याद रखो, बीपी का 80 से नीचे रखना है और उधर हमने 180 से नीचे रखना है। ये दो चीजें अगर आप कंट्रोल में ले आते हो तो कम से कम किडनी को और नुकसान होना बंद हो गया। जब से नया नुकसान नहीं हो रहा तभी तो पिछले वाले की भरपाई कर पाओगे, उसमें ना साथ साथ दोनों काम कैसे होंगे, एक तरह से नया नुकसान हो रहा है एक तरह से आप भरपाई कर रहे हो, रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। तो सर अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने अपना बीपी सही कर लिया ठीक है, अपने ब्लड शुगर लेवल बढ़िया कर लिए, तो मेरा कई हद तक मैं सिक्योर हो सकता हूँ कि मेरा जो किडनी है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे चल के। हाँ, एक देखो आप क्वेश्चन पूछिए प्रिवेंटिव एग्जैक्ट, कि अगर मैं हेल्दी हूँ मेरा बीपी शुगर की दिक्कत है और मैं किडनी की बीमारी से बचना चाहता हूँ तो ये तरीका बहुत कारगर है। कारगर है क्योंकि 80% जो केसेस हैं वो बीपी शुगर की वजह से ही होते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ उन पेशेंट को आती है जहाँ पर नुकसान हो चुका है, क्योंकि किडनी के अंदर मान लो 5-10% का नुकसान हो गया ठीक है, फिर आपको पता लगा कि आपकी किडनी खराब हो रही है। अब किडनी के अंदर जो हिस्सा मर गया ना वो अपने साथ वाले हिस्से को भी मारता रहता है, इसी वजह से जो किडनी फेलियर है उसे सेल्फ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है, यानी अपने आप बढ़ने वाली बीमारी। बीपी आपका आप ठीक है, शुगर आपकी ठीक है, बट जो नुकसान पहले एक बार हुआ था अब वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको देके जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती है, तो उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि वो लेवल कंट्रोल में आ जाए, किडनी की बीमारी रुक जाए, आगे ना बढ़े, लेवल डाउन होने शुरू हो जाए, मेहनत करनी पड़ती है। और सर जो GFR है हमें उससे स्टेजेस के बारे में हमारी किडनी में क्या क्या दिक्कत चल रही है क्या वो भी पता चल सकती है? वो उसी के लिए है। ओके, वो प्रॉपर GFR से ही हम स्टेजेस निकालते हैं। तो अगर आपका GFR 90 प्लस है तो आप नॉर्मल हो, और आपका प्रोटीन लॉस हो रहा है और GFR आपका 90 प्लस आता है तो आप स्टेज 1 हो गया। तो इसी तरह से अगर 60 और 90 के बीच में है तो आपका GFR तो आप स्टेज 2 में हो गए, 30 और 60 के बीच में है तो स्टेज 3 हो गया, 30-15 के बीच में है स्टेज 4 हो गया, 15-0 के बीच में है तो स्टेज 5 हो गया। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन कर रखी है जिसमें हम पेशेंट को फॉलो करवा कर उस पर कितनी मेहनत करनी है, क्या एक्शन लेना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस पे क्या सिम्टम आएगा, तो वो हम पेशेंट को बता पाते हैं। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में सिम्टम्स ही नहीं होते बीमारी के, आपके अंदर किडनी की बीमारी है आपको पता ही नहीं लगेगा। अच्छा, तो हम सर फिर कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई हमें ये दिक्कत है? सर वार्निंग सिग्नल्स तो फिर हमें मिलेंगे ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो अच्छी किस्मत होती है वो अर्ली डिटेक्शन करवाती है। मैं समझा नहीं सर। मान लो कि आप एक एम्प्लॉई हो, आपने जॉब ज्वाइन करनी है, आपका मेडिकल होता है जी, उस मेडिकल में निकल कर आ जाता है कि आपको किडनी का भी इशू है। तो जो अर्ली डिटेक्शन है वो टेस्ट से होता है, और अक्सर लोग टेस्ट 30 में नहीं करवाते, 30-40 की एज में नहीं करवाते। तो उस टाइम में अक्सर जो मेडिकल होते हैं वो यू नो
एग्जाम्स वाले या फिर जॉब वाले हो रहे होते हैं कि आपको जॉब ज्वाइन करनी है तो अपना मेडिकल करवा कराओ, या फिर हम जब मेडिकल पॉलिसी लेते हैं तो होल बॉडी चेकअप होता है तब निकल कर आता है कि ये इशू चल रहा है, ना पहले पता ही नहीं लगता, या फिर आपको तब पता लगेगा जब किडनी लेवल यूरिया लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जब बॉडी में इतना सारा वेस्ट मेटल इकट्ठा हो रहा है तो आपके वो बॉडी के ऑर्गन्स को थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचाना वो शुरू करता है। जैसे किडनी बढ़ रहा है तो आपको थकावट बनेगी, ठीक है, क्रैम्प पड़ेंगे मसल्स में, वीकनेस बनेगी, यूरिया बढ़ेगा तो आपको भूख कम लगेगी, वेट लॉस होगा। बट ये ना ऐसे सिम्टम्स हैं जो हर दूसरी बीमारी में भी देखने को मिलते हैं, थकावट है, ठीक है, भूख ना लगना है, मसल्स में क्रैम्प्स हैं, ठीक है, ये ऐसे सिम्टम्स हैं। तो आप फीवर भी होगा तो भी ये सिम्टम आते हैं, तो क्या होता है कि मिस डायग्नोसिस बन जाता है। मिस डायग्नोसिस क्या होता है, पेशेंट कहते हैं मुझे थकावट हो रही है, मैं रेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, फिर वो क्या करता है, वो ताकत की मेडिसिन खा लेता है, उसे थोड़ी देर आराम मिल जाता है, कहते हैं मैं ठीक हो गया, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, चेकअप करवाने की जरूरत नहीं है, होल बॉडी चेकअप की कराने की जरूरत नहीं है, मैंने दो गोली खाई मैं ठीक हो गया। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो दिक्कत अंदर बढ़ती चली जाती है और आप उसको प्रॉब्लम को सिम्टम्स को दबा देते हो। इसी तरह से एक और सिम्टम होता है, वो है हेडेक। अब हेडेक ना हर दूसरे तीसरे इंसान को या हर इंसान को जिंदगी में एक बार जरूर हुआ होगा। एग्जैक्टली, अब ये हेडेक किस वजह से हो रहा है ये हमने आइडेंटिफाई नहीं किया। हम केमिस्ट पे गए, केमिस्ट पे जाके बोलते हैं डॉक्टर केमिस्ट साहब हमें सिर में दर्द हो रहा है, दवाई दे दीजिए। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, ये वाली गोली खा लो, गोली से आराम मिल जाता है। अब पेशेंट क्या करता है, वो गोली होती है 2 रुपए की 3 रुपए की, पत्ता ले लेता है 10-20 रुपए का, जब दर्द हुआ गोली खा ली, जब दर्द हुआ गोली खा ली, बट वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करता कि उसे हेडेक हो क्यों रहा है। आंखों की वजह से हो रहा है, माइग्रेन है, या फिर किडनी की वजह से आपका जो बीपी शूट अप किया हुआ है उसकी वजह से हो रहा है। तो जब बीपी की शूट अप होने की वजह से, बीपी बढ़ने की वजह से हेडेक हो रहा है और आप उसे दबाए जा रहे हो दवाइयों से, तो क्या होगा कि बीपी जब बढ़ रहा है ना किडनी को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो जब आइडेंटिफिकेशन होती है तब चीज़ें खराब हो चुकी होती हैं। हाँ, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले हमें, मतलब अगर आप देखो तो हमारे पेरेंट्स भी इतने जागरूक नहीं होते थे बॉडी को लेकर, बट हमें लगता है कि अब जो हमारी जनरेशन है, जो हमारा खाना पीना है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा एनवायरनमेंट है स्ट्रेस का है, तो उसमें ना बॉडी को प्रायोरिटी रखनी चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, पैसे को प्रायोरिटी दे देते हैं कि पैसा कमाना है। पैसे भी आप तब कमा पाओगे जब बॉडी आपका साथ दे रही है, जब आपका ब्रेन आपका साथ दे रहा है। तो लाइफ में सक्सेसफुल बनो, बट बॉडी की कीमत पर नहीं। आपने लाइफ में जो आपने अचीव करना है अचीव करो, बट आपने बॉडी को सेक्रीफाइस किए बिना, नींद को सेक्रीफाइस किए बिना, खराब मतलब खाने को सेक्रीफाइस किए बिना, जब आप ऐसी चीज़ों को अचीव करते हो ना, जो आप कमा रहे हो ना, आप उसको इंजॉय कर पाओ। इंजॉय, एग्जैक्टली, हाँ इंजॉय। क्योंकि सर आजकल यही हो गया कि भाई पैसे पैसे पैसे, बट हम भूल जाते हैं अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। तभी तो कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। Exactly. हम क्या करते हैं, हम रियलाइजेशन इन चीज़ों की बाद में करते हैं। अक्सर हमारे पेरेंट्स बोलते थे यार अपनी सेहत का ध्यान रखो, सेहत का ध्यान रखो, अरे हमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये जो अप्रोच होती है ना, ये एक यंग एज में होती है, बट जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को रियलाइज कर लेते हो ना, समझ लेते हो, उतनी जल्दी आप केयरफुल हो जाते हो। तो सर क्या मेरा कहना बिल्कुल सही है कि आपको हर साल एक बार फुल बॉडी चेकअप करवाना ही चाहिए? मैं तो हमेशा कहता हूँ अपना बर्थडे की डेट, अच्छा कभी अपना बर्थडे से आप ही नहीं बोल सकते, अपने पार्टनर का भूल जाओगे, ठीक है, अपने फ्रेंड्स का भूल जाओगे, बट अपना नहीं भूल सकते क्योंकि आसपास वाले सब याद दिला देते हैं। तो आप अपने बर्थडे पे खुद को एक गिफ्ट दे दो। ओके, फुल बॉडी चेकअप का। फुल बॉडी चेकअप वो अच्छा तरीका होता है, एक रिमाइंडर डालने का कि मुझे कब करवाना है। बर्थडे आ रहा है, बर्थडे पे करवा लूंगा। चलो सर फिर तो मैं जल्दी कराऊंगा। जल्दी आने वाला होगा। चलो एडवांस में हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। सर मुझे इसी में एक और चीज पूछनी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आयुर्वेदा ही क्यों, मतलब आयुर्वेदा में ऐसी क्या खास बात है या वो कैसी ऐसी मेडिसिन देता है जिससे आपकी किडनी बढ़िया हो जाती है? नहीं, आप बात को समझो कि यहाँ पे आयुर्वेद एलोपैथी और होम्योपैथी की वो नहीं है, पैथी उसकी लड़ाइयाँ नहीं होती है हमारे पास। अच्छा, आपको पेशेंट के से लाइट फाइट कर रहे हो, पेशेंट की बीमारी से फाइट कर रहे हो, तो आपके पास आपको समझना पड़ेगा कि बीपी शुगर अगर आयुर्वेद से कंट्रोल नहीं हो रहा, एलोपैथी से कंट्रोल हो रहा है, तो एलोपैथी उस पेशेंट के लिए अच्छी है। ओके, पॉइंट को समझ रहा हूँ, ठीक है। अब एलोपैथी के अंदर कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो पेशेंट की किडनी को रिवाइव कर सके या उसकी फंक्शनिंग को बढ़ा सके, वो आयुर्वेद में अच्छी है, ठीक है। अब कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे मान लो प्रोटीन लॉस हो रहा है, प्रोटीन लॉस में अगर आपकी आयुर्वेद काम नहीं कर पा रही, एलोपैथी काम नहीं कर पा रही, वहाँ पे होम्योपैथी अच्छा काम कर जाती है।
अब मैं पेशेंट को परेशान तो होने दूंगा नहीं, या तो हमें भी नॉलेज ना हो, अगर हमें पता है कि इस पेशेंट के लिए ये फलाना फलाना मेडिसिन अच्छी रहेगी इस पैथी की, तो हम उस डॉक्टर से हम कंसल्ट करके उस पेशेंट को दे देते हैं, तो पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व है ना। और वही तो हमारा मोटिव था, हमारा मोटिव पैथीज में फंस कर पेशेंट का ट्रीटमेंट करने का तो था ही नहीं कभी भी, पेशेंट को मैक्सिमम रिजल्ट्स देना कि उसकी कंडीशन बेटर हो, यही तो हमारी फाइट थी। एग्जैक्टली। तो हम अपनी फाइट से नहीं हटे, हम अपने फोकस पॉइंट से नहीं हटे कि हमें कि जो किडनी लेवल है वो डाउन करना है, हम उससे नहीं हट रहे, हम वो अचीव करके ही रहते हैं, चाहे कोई भी मेथड हो किसी के पास भी। हाँ, पेशेंट को भी फर्क नहीं पड़ता, पेशेंट को भी ठीक होने से मतलब होता है। एग्जैक्टली, है ना। तो हमें भी वही होना चाहिए, पेशेंट के लिए जो बेस्ट चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, जो बेस्ट नॉलेज आपके पास अवेलेबल है, उसको आप पेशेंट को दो, है ना। तो कभी फाइट नहीं है। अगर मुझे मान लो कि मेरे से बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, एक हमें हाई डोज ऑफ मेडिसिन देनी है, तो आप उसे एक्सेप्ट करो ना, मैं नहीं दूंगा, पेशेंट को जो मर्जी हो जाए, आयुर्वेद अच्छा है एलोपैथी खराब है, नहीं, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और सब अपनी अपनी फील्ड में महारत रख के बैठे हुए हैं। बट कोई भी पैथी कंप्लीट नहीं है, ये भी सत्य है। एलोपैथी में अपनी प्रॉब्लम्स है, आयुर्वेद में अपनी प्रॉब्लम्स है, और होम्योपैथी में अपनी प्रॉब्लम्स है। आप प्रॉब्लम्स को साइड कर दो, सबका बेस्ट पार्ट ले लो, सब में कुछ ना कुछ ले लो। हाँ, आप क्यों देखते हो उसकी बुराइयाँ, आप उसकी अच्छाइयाँ भी तो देख सकते हो। जैसे हम दो लोग मिल रहे हैं, हम अच्छाइयाँ वो बुराइयाँ दोनों साथ साथ चलती हैं, आप उसका बेस्ट पार्ट देखो, उसका नेगेटिव पार्ट कुछ इग्नोर कर देना चाहिए। अगर कैसे आप इग्नोर कर दोगे ना उसका वर्स्ट पार्ट, खराब पार्ट, तो आप उसमें जो आप अच्छाइयाँ देख रहे हो उसको यूज़ कर पाओगे। तो सर मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आप मुझे बताइए कि अगर मतलब जैसे किसी को भी किडनी की दिक्कत नहीं है अभी तक, ठीक है, बट ऐसा हो सकता है जैसे आपने कहा कि किसी को भी दिक्कत आ सकती है, तो पहले ही ऐसे क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो ले, ऐसे तीन चीट कोड्स आप मुझे बताइए जिससे वो बच सकता है अपनी किडनी खराब होने से। देखो लाइफ में ना चीट कोड चलते नहीं है। अच्छा। और मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई चीट कोड रखना भी चाहते हो तो कुछ इस तरह से रखो कि आप उसे लाइफ टाइम कर जाओ और रखो पता भी ना लगे, वही चीट कोड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक बात करी कि अपने बर्थडेज पे फुल बॉडी चेकअप करवाना, ये चीट कोड है कि बीमारी की होने से पहले ही आपने उसको पकड़ लिया, है ना, फर्स्ट चीट कोड हो गया जी। दूसरा है कि आप बीमारी के होने की बात पकड़ रहे हो, होने ना देने के लिए आपको अपना बीपी शुगर का भी चेकअप आप अपना ये लेके चलो कि क्वार्टरली करवाना है। जब मम्मी पापा कर रहे हैं ना तो साथ में अपना हाथ भी आगे कर दो, मेरा भी कर दो। हाँ, देखो आप टाइम निकाल के कभी नहीं करोगे, ठीक है, मगर अपने पेरेंट्स का बीपी शुगर टेस्ट हर घर में होता ही होता है। तो अक्सर क्या होता है कि हम पेरेंट्स का तो कर देते हैं, अपना भूल जाते हैं, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ होगा। तो ये अप्रोच छोड़ दो, जब उनका हो रहा है थोड़ा सा एक बूंद खून की लगनी है और एक हाथ लगना है, तो उसे ना इग्नोर मत करो, मतलब उसे बचने की कोशिश मत करो। क्योंकि क्या होता है, हम ना एग्जाम देने से बचते हैं, हमें लगता है हम एग्जाम देंगे और हम फेल हो जाएंगे, इसलिए हमें वो टेस्ट से बच रहे होते हैं। बट आपको टेस्ट देना चाहिए, जब मौका मिले तब देना चाहिए। अगर टेस्ट में अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो मेरे को टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। जब मैं पूरी तरह से यूनिट टेस्ट में फेल हो रहे हो ना तो फाइनल टेस्ट में टाइम मिल जाता है तैयारी करने का। ये दिक्कत आ रही है। अगर फाइनल टेस्ट एग्जाम फेल हो गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि अब जब मौका मिले तब चौका लगा देना चाहिए। तो मशीन घर पर रखो, कुछ भी दिक्कत लगती है तो आपने बीपी शुगर जरूर टेस्ट करो। अभी क्या होता था, बीपी शुगर टेस्ट करने के लिए मैं डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, अब मशीन्स इतनी सिंपल हो गई हैं, डिजिटल हो गई हैं कि आप उसे घर पे कर सकते हो। तो उसको रखो और जब लगे मौका, जब किसी को लग रही कोई दिक्कत, जैसे मान लो कि आपके मैडम को दिक्कत हो रही है, आपने टेस्ट किया ठीक आया, है ना, आपने अपना भी कर लिया, चलो मैं भी जान लगे हाथ सारे काम हो जाते हैं। आप सेपरेट टाइम डेट नहीं निकाल पाओगे, ये फैक्ट है, ये कोई भी नहीं कर पाता। तो जितनी मर्जी आप टिप्स शॉर्टकट दे दो सब फेल है, बट अगर आप लाइफ की अप्रोच बदल लो तो उससे बड़ा चीट कोड कोई नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया प्रिवेंटिव। तीसरा, आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं और वो चीज़ें आपको भी पता है, हम बस उसको मान नहीं रहे होते। जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग और टबैको, ये निकोटीन कंटेन करता है और निकोटीन से बीपी शूट अप करता है, ये हमें पता है। और जो अगर मैं इसे मना कर रहा हूँ, आप समझ में आ जाएगा क्यों मना कर रहा हूँ। हमें पता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तंबाकू खाने से बीपी भी बढ़ता है, ये भी याद रख लो। अच्छा। ठीक है, और उसको खाने से किडनी की दिक्कत हो सकती है, ये आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आप कैंसर से बच गए तो किडनी का बात हो गई।
अगर किडनी बच गई तो कैंसर के शिकार हो जाओगे, ठीक है, तो दूर हो। इसी तरह से अल्कोहल है, अल्कोहल से लीवर बच गया, ठीक है, बट लीवर जो आपकी अल्कोहल को ब्रेक डाउन कर रहा है उसे किडनी यूरिन के से बाहर निकाल रही है, तो अगर लीवर बच भी गया तो किडनी चली जाएगी। किसी को एक को बचाने जाएंगे तो दूसरा निकल। मैंने आपका लीवर स्ट्रांग भी है, मेरा कलेजा पत्थर का है बोल दिया आपने, और अच्छी मान लो कि है भी स्ट्रांग भी, तो इसका मतलब थोड़ा किडनी भी स्ट्रांग है। और फिर वो खराब हुई तो वो भी खराब हो सकती है। तो ये जो बैड हैबिट्स हैं इनको छोड़ना है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है आपका स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस, ओके। अब हम इसको ना ये आपके आसपास के लोग देते हैं, ठीक है, और आपका टाइम मैनेजमेंट देता है कि आप कितने मैनेजेबल हो इंसान, खुद को कितना मैनेज करते हो। स्ट्रेस सबके लाइफ में है, बट कुछ लोग ना ओवर थिंकिंग करते 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 ना क्या करते हैं, अपनी बॉडी को ही खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको उससे बचना चाहिए। अगर नींद आप प्रॉपर नहीं ले रहे, आप बहुत कम नींद लेते हो, 3 घंटे 4 घंटे की, तो भी आपके इश्यूज आ जाएंगे किडनी के अंदर। हाँ, देखो बॉडी सब आपस में रिलेटेड है। अब आप जब नींद प्रॉपर नहीं कर रहे, आपका स्ट्रेस डेवलप हुआ है, बीपी आपका शूट अप कर जाता है। ओके, बीपी भी एक बीमारी है ना, तो बीपी की होने के भी पीछे रीजन होते हैं। तो ये रीजन होता है कि अगर आप स्ट्रेस बना हुआ है, या फिर आप नमक का इंटेक ज़्यादा करते हो, आपको नमकीन चीज़ें बहुत पसंद हैं, अचार पापड़ चटनी के बिना खाना आप खाते नहीं हो, हर चीज़ में आपको सॉस चाहिए, आपको पता है कि ख़राब है ना, वो आपकी किडनी को कभी ख़राब कर रहा है। तो जितनी भी बैड हैबिट्स हैं जो पॉसिबल हैं, कुछ मैंने बता दी, कुछ ऐसी होंगी आपको पता है कि ख़राब है, जो मम्मी पापा बोलते हैं कि ख़राब है, इसे तो होना ही होना है, खराब जो मम्मी पापा बोलते हैं ख़राब है, और जो आपके दोस्त कहते हैं यार इसको कम कर ले, दोस्त कहते कम कर ले, इसका मतलब इसे बंद कर दे, पेरेंट्स कहेंगे बंद कर दे, और दोस्त कहेंगे भाई खत्म कर दे, कम कर दे, कम कर दे, बहुत हो रहा तेरा, है ना, हटा देनी चाहिए अपनी लाइफ। और अगर हटा दी तो सर लाइफ जिंगा लाला, लाइफ जिंगा लाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे तो सवाल अब खत्म हो गए हैं। अब मैं जानना चाहूंगा अपनी जनता से, तो जनता जनार्दन, अगर आपको कुछ भी और सवाल करने हैं डॉक्टर पूरु सर से, या आप कुछ भी जानना चाहते हैं अपनी किडनी के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, तो कमेंट करो इस वीडियो के अंदर। अगर आपको अच्छी लगी हो और आप और जानना चाहते हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो वो तो आप कर ही लेंगे। तो इसलिए अब मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने फीडबैक दो, कमेंट्स करो, बताओ, और अगर कोई भी सवाल है तो पूछो। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं, और सर थैंक यू सो मच हमारे साथ आने के लिए, हमारे साथ ये इंटरव्यू देने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।